not good. It was okay, like it was very bland. Yeah, बहुत अच्छी movie थी. Very refreshing, very young, Gen Z movie, बहुत अच्छी. देखिए सही बात बताऊँ, honest review तो मुझे तो पसंद नहीं आई. Obviously Rohit Sara was like heartthrob now. current के लिए वही. I loved it. I think it's definitely a one-time watch. Music was nice. Music is okay. I didn't like the music much, but acting, casting बहुत अच्छी थी. No. Obviously not. That was like Shahid Kapoor and इतना मैच नहीं कर पाई है यार स्टैंडर्ड. So how much will you rate the film out of 5? 2. 2.5. 100 into 10. कितनी अच्छी लगी आपको? 100. चलो थैंक यू. 5. 3 out of 5. Yeah. Out of 5 मेरे हिसाब से तो 2.5 ही होती है. तो रोहित सराफ और ज़िब्रान खान की फिल्म इश्क विश्क रीबॉर्न आज फाइनली रिलीज हो चुकी है और हम आ गए हैं ऑडियंस से पूछने के लिए उन्हें ये फिल्म कैसी लगी. तो चलिए पूछते हैं हम ऑडियंस से, कैसी लगी मूवी आपको? नॉट गुड टू बी ऑनेस्ट. इट वाजंट, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट. आई मीन मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हो गया एंड थोड़ा और बताना था क्या है, थोड़ा एस्टैब्लिश करने थे रोल्स. सो या आई मीन इट वाज नाइस. आई मीन So did you like the movie? It was okay, like it was very bland. Story बहुत ही normal थी, like no twist, nothing. ऐसे कुछ expect नहीं कर पा रहे थे, story build up नहीं हो रही थी और acting भी बहुत basic थी and बहुत predictable story थी. मुझे इतनी पसंद नहीं आई. बहुत अच्छी movie है. बहुत अच्छी. या बहुत अच्छी मूवी थी, मतलब रोहित सर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी, वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी यंग जेन ज़ी मूवी, बहुत अच्छी. एंड आई थिंक जो स्टोरी थी ना बहुत रिलेटेबल है अभी के जनरेशन के लिए. बहुत 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 अच्छी. लाइक द वे ही सेड ना, क्लैरिटी के लिए कन्फ्यूजन की ज़रूरत है एंड थ्रू दैट यू कम टू नो, यू आर मोर क्लियर. बहुत बहुत अच्छा लाइन. आई रियली लव दैट लाइन, दैट डायलॉग ऑफ रोहित सराफ. वेरी नाइस. Yeah, it's nice. The cinematography is nice. The direction is nice. देखिए सही बात बताऊँ, honest review तो मुझे तो पसंद नहीं आई क्योंकि एकदम बिल्कुल ही नए जमाने की पिक्चर है. टीनेजर लोग का एक्टिंग है, सब नए चेहरे हैं और हम लोग पुराने आदमी हैं. हम लोग का जो चॉइस है वो इससे मैच नहीं खाता है. लेकिन मैंने सोचा देखने से पहले कि कुछ न कुछ नया होगा, लेकिन नया तो कुछ लगा नहीं. सर मूवी में सारे न्यू कमर थे, ऑलमोस्ट सारे न्यू कमर थे एक्सेप्ट रोहित सराफ. तो आपको क्या लगता है, उन एक्टिंग सबने अच्छी से की कि कुछ एक्टिंग में कमी रह गई? नहीं ठीक है. आई मीन दे डिड देयर बेस्ट. आई मीन दैट्स द बेस्ट दे कुड डू. सो आई गेस आई होप इम्प्रूव हो. लाइक फर्स्ट मूवी थी तो ठीक है, फर्स्ट मूवी के हिसाब से इट वॉज फाइन. आई होप आगे आगे शायद इम्प्रूव हो जाए. हाँ मतलब एक तो सपोर्टिंग एक्टर था और पूरा शनाया के ऊपर रिवॉल्व हो रही थी पूरा जो स्टोरी था. तो मेरे को लगता है कि रोहित सराफ तो बेस्ट ही था सब. सर अगर इसमें सारे मूवी में सारे न्यू कमर्स है तो उस पर आप क्या कहेंगे कि मूवी क्या एक्ट किया? वो सभी ने बहुत अच्छा एक्ट किया. ऑब्वियसली रोहित सराफ वॉज लाइक हार्टथ्रॉब नाउ. करंट के लिए वही. एंड ऑब्वियसली ज़िब्रान खान ऑल्सो वेरी गुड. द एक्ट्रेस वॉज वेरी नाइस. ऑल वर वेरी गुड बट आई थिंक ही वॉज Awesome. एक्टिंग में सभी ने अपना अपना जो किया है ना एक्टिंग वो अच्छी की. आई लव्ड इट. आई थिंक इट्स डेफिनेटली वन टाइम वॉच. आई डोंट नो इफ द मासेस विल लाइक इट बट क्लास ऑडियंस, निश ऑडियंस को डेफिनेटली पसंद आएगी. एक इश्विश केन घोष ने डायरेक्ट की थी जो 2003 में आई थी और शाहिद कपूर वो चॉकलेट बॉय हीरो के रोल में छा गए थे. इस बार रोहित सराफ हु इज़ यू नो अ ग्रेट एक्टर, रोमांटिक हीरो के रूप में वो आए और बहुत ही करिज्मेटिक हैं. उनका रोल बहुत अच्छा है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है. OTT पे उनको हम ज़्यादा देखते हैं. और मैंने विक्रम वेदा में उनका रोल देखा था, ऋतिक रोशन के भाई बने थे, बहुत अच्छा रोल था. ये मूवी में एज अ रोमांटिक हीरो आई थिंक ही इज़ क्वाइट अमेजिंग. उसके साथ अब पश्मीना रोशन का डेब्यू है. शी इज़ ऑल्सो वेरी यू नो गॉर्जियस एंड शी लुक्स वेरी नाइस स्क्रीन प्रेजेंस. ज़िब्रान खान का भी बहुत अच्छा रोल है नायला गरेवाल. तो डेफिनेटली वन टाइम वॉच तो है. सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, जो इसकी डायरेक्टर फोटोग्राफी है मिलन जोक. एडिटिंग शार्प है, 1 hour 45 minutes. चंदन अरोड़ा की एडिटिंग बहुत अच्छी है. निपुण धर्माधिकारी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है. केन घोष का डेफिनेटली डायरेक्शन इससे और ज़्यादा बेहतर था. बट बहुत एंगेजिंग है मूवी और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है. कब चालू होगी कब शुरू होगी आपको पता नहीं चलेगा. बट यहाँ पे रोहित सराफ जो है वो ही इज़ स्लाइटली मोर एक्सपीरियंस्ड देन द अदर एक्टर्स. तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही इज़ मतलब वेरी नेचुरल इन हिज रोल. कहीं भी कोई बनावट नहीं है.
जो इमोशन अलग अलग उन्होंने डिपिक्ट किए हैं, कहीं यू नो दुखी होते हैं या कहीं इमोशनल होते हैं या रोमांस, बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है ना। व्हाट अबाउट द म्यूजिक ऑफ द मूवी? म्यूजिक वाज नाइस। एंडिंग वाला सॉन्ग इज लाइक रियली फन, बट दैट वाज ऑल अबाउट इट। म्यूजिक सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं। इश्क विश प्यार व्यार तो अच्छा ही, सबसे बेस्ट सॉन्ग था उसमें, और बाकी जो गाने थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो आउट ऑफ 5 आप क्या रेट करोगे मूवी को? 4.5। इतनी अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी। तो आपको लगता है कि इश्क विश की रीबाउंड ओरिजिनल इश्क विश की तरह मूवी निकलेगी, आइकॉनिक बनेगी? हाँ, ये मूवी मतलब एकदम जेंसी टाइप मूवी है, तो मतलब सब रिलेट कर सकते हैं। म्यूजिक इज ओके, आई डोंट लाइक द म्यूजिक मच, बट एक्टिंग कास्टिंग बहुत अच्छी थी। आई मीन इट डिड, यस, और पहली मूवी है और कितना एक्सपेक्ट कर सकते, लाइक समवेयर दे विल स्टार्ट, सो इट्स नाइस, इट वाज नाइस। म्यूजिक भी ठीक ही है, एक आध गाना पुराना इसमें दिया है और एक आध पंजाबी में गाना है, वो थोड़ा अच्छा है, और बाकी देहरादून का लाइफ स्टाइल और वहाँ का सीन सीनरी और दिया है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है। रोचक कोहली का म्यूजिक बहुत अच्छा है, बादशाह का लास्ट एक रिमिक्स सॉन्ग है गोरी गोरे मुखड़े पे, काला काला चश्मा, वो भी बहुत अच्छा से शूट किया गया है, तो डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच। एज कम्पेयर टू ओरिजिनल इश्विश, डू यू थिंक लाइक इट विल बी एज आइकॉनिक एज ओरिजिनल वन? नो, ऑब्वियसली नॉट, इट वाज लाइक शाहिद कपूर एंड इतना मैच नहीं कर पाई है यार स्टैंडर्ड, सो ऑब्वियसली इट हैज़ टू, आई मीन समथिंग न्यू, वेरी रिलेटेबल जो अभी के जनरेशन के लिए, so I feel it's worth watching it, I think everybody should watch it. It won't be iconic because jo iconic tha jo OG tha wo OG rahega, but it's nice, it's a good remake I'll say, kyunki abhi remakes acche nahi hote, so it was a nice one. nahi hogi mere hisab se, nahi hogi, baki bhagwan jaane. So how much will you rate the film out of 5? 2. 2.5. 100 into 10. kitni achhi lagi aapko? 100. chalo, thank you. 3 out of 5 मेरे हिसाब से तो 2.5 ही होती है। I will go with 3 stars. It could have been better because masses शायद उतना बीच में slow paced हो जाती है, but definitely youngsters will love it. So I'll go with 3 out of 5 stars. तो जैसे कि आपने देखा कि फिल्म को ऑडियंस से काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, बट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने अगर ये फिल्म देखा है तो आपको ये फिल्म कैसे लगी। So hope you like this video and if you do please like, share and subscribe to our channel.